चलो मन सतगुरु के दरबार, सुरत शब्द का मेल जोड़ी के कर दे बेड़ा पार, कर दे बेड़ा पार। चलो मन सतगुरु के कुल मालक परमात्मा सावन कृपाल दे चरणा विच नमस्कार है, करोड़ा वारी है। गुरु नानक ने कहा, फिरत फिरत प्रवाया परया तो शरनाई, नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए। असली कदर गुरमखान ही गुरु दी हिंदी है कि गुरु की ताकत है, वो आत्मा वास्ते की करता है, वो किन्ना दयालु हुंदा है, किन्ना आत्मा उत्ते परोपकार करता है। तो सच्चा धन्यवाद उस वक्त असी कर सकते हैं जब फैले ख्याल नूं सिमरन दे जरिए अखां दे पिछे लिया के अकागर कर लेने हैं। जिथे के साड़ी मन और आत्मा दी सीट है, सचखंड तो उठ के वो परमात्मा दी आवाज तनुकारा दे रही है, वो ही सच्चा नाम है। ये ना लिखण दे चाहुंदा, ना पढ़न, ना बोलन दे विच। उस वक्त ही जब साड़ी आत्मा सिमरन दे जरिए अपने उपर स्थूल सूक्ष्म कारण तिन्ने पर्दे ला लेंदी है, सूर्य चंद्रमा सितारे नंग के गुरु स्वरूप तक पहुंचती है, जिथे के असली आत्मा शिष्य बनती है, शब्द रूप गुरु इसका गुरु बनता है। उस वक्त सानू पता लगता है कि गुरु साडा कितना महान है, साड़ी आत्मा भी कितनी महान है। लेकिन आत्मा आपदे घर तो भुल गई, मन माया दा साथ लेके गंदी होगी, मैली होगी, बिल्कुल वो सतपुरुष दी जड़ी याद सी वो पला दिती है। सो संत महात्मा कोई नवा मिशन लेके नहीं आंदे गे, कोई उस समाज चलाउण वास्ते नहीं आउंदे गे। उन्हां दा मिशन, उन्हां दा आउण दा जो परवज हुंदा है, उन्हां रूहां नूं नाम देना जो कि परमात्मा ने आपदी चोण विच कर लईआं हुंदीआं हन कि हुण इन्हां दा जो संसार विच गेड़ा है वह समाप्त हो चुक्या है, जिन्हां दी कि उन्हां नूं जिम्मेवारी सौंपी गई है कि इन्हां आत्मा नूं तुसीं मेरे साथ जोड़ना है। कोई भी महात्मा किसी आत्मा नूं अपने देह दे नाल नहीं जोड़दा गा, बल्कि वह शब्द नाम दे नाल जोड़दा है। सिर्फ उही महात्मा शब्द नाम दे नाल जोड़दा है जिहड़ा खुद जुड़िया है। पहलवान ही पहलवानी सुखा सकदा है, पढ़िया पढ़ा सकदा है। इसे तरह जो जुड़िया है, महाराज जी कहिंदे हुंदे आ कि उही जोड़ सकदा है। उस वक्त सानू पता लगता है कि असी दुनिया दे विच भुल के ही इतने वक्त जाया कीता है। उस वक्त ही सच्ची साडे मौत याद आती है कि असी भरिया बाजार एक किस तरह छड़ना है। सानू पता है कि किस तरह रेडुआ ऑन करते हैं, अखबार पढ़ते हैं, एक दूसरे मुल्क दियां लड़ाइयां लगियां हन, हालांकि सारे ही शांति का उपदेश देंदे है, एके का उपदेश देंदे है। उस तो बाद अज दे युग अंदर सानू आम बड़े ही कुदरत दे
क्रोप भी नजर विच आउंदे है हुक्म वगैरा दा। बहुत मुल्कां दे अंदर कई दफा दिल हिला देण वाले साके देखण नूं मिलदे है। इसे तरह हुण साडे महाराष्ट्र दे कुछ हिस्से अंदर हुक्म आया, वह बड़ा ही एक दिल नूं हिला देण वाला वाकया है। मैनू आर्मी दे अंदर खुद इह जे मौकां ते राहत कार पहुँचाउण दा समा मिलदा रहा। जिसने ये नज़ारे देखे होंगे है कि दुनिया की की दुर्दशा होंगी है, उसका दिल होर भी कंब जाता है। संतां का दिल वैसे ही नरम होंगे हर आत्मा वास्ते, क्योंकि आत्मा प्रभु की अंश है, चाहे संसार के किसी कोने विच भी रहिंदी है, उहदे वास्ते उहनां दा दर्द होंदा है। सोच के देख लो, असी मौत नूं भुल जाने हैं जब वो इलाके दे लोग, गांव दे लोग, शहर दे लोग रात नूं पए होणगे अपने परिवारां दे नाल गल्लां बातां करदे, हसदे खेडदे, खाना खांदे, टैलीविजन देखदे, होर भी सिनेमे वगैरह देखदे होणे हैं कि उन्हां लोकां दे कोई मौत दा याद सी कि किसे दे ये याद सी कि असी सुते पे ही विनाश हो जावांगे, एक दूजे नूं मिलांगे नहीं। हर एक ने वारो वारी जन्म लिया, लेकिन मौत दा वक्त एक ही मुकर्र सीगा। सन 47 दे अंदर जदों पाकिस्तान हिंदुस्तान दा बंटवारा होया है, उस वक्त साडी ड्यूटी पिंडां दे विच गामां दे विच लगी सी आर्मी दी कि बई किसे नूं कोई मारे ना। लेकिन जद ऐसी विनाशकारी लीला हुंदी है, काल दे दूत भी उत्थे पहुंच जांदे है जिन्हां नूं असीं लुटेरे कह दिंदे हैं, और उन्हां दी मदद करन वाले भी पहुंच जांदे हैं। लेकिन ज्यादा तहलका जो लुटन वाले है उन्हां दा ही हुंदा है। हालांकि गौरमेंट दा उस वक्त ऐसा इजाजत नहीं सी कि तुसी इस तरह का मूँह काला करो जनता दे नाल या किसी नूं मारो या लुटो। सब दा ये सी कि आपो अपने घरी लोग शांति न रह सकन। लेकिन जो वो नज़ारा होया वो कोई भुलण वाला नहीं गा, सिर्फ लुट दी खातर। ऐसे जे मौकियां ते देखने च की मिलता हुंदा है, माता मरी पई हुंदी है, 5-4 महीनियां दा बच्चा माता दे बोबे उपर चिंबड़िया हुंदा है। उस बच्चे नूं ये नहीं पता हुंदा कि मेरी माता मर चुकी है जां इस चो कुछ आउंदा है। सिर्फ उहदा आपदा ही जवान दा थोड़ा बहुत थुक थक दा रस आउंदा बच्चे दा, बड़ा दर्दनाक हालत हुंदा है। तो इस वास्ते संत महात्मा सानू सदा ही कहिंदे आ कि प्यारे बच्चिओ, यह संसार जो तुसी देखदे हो अखां नाल यह परवर्तनशील है, इत्थे सदा कोई थिर नहीं गा। जो आया सो चल सी, सब कोई अपनी वार, जिहड़ा आउंदा है वह जांदा है। जिस दुनिया की यह हालत है सदा बदलती रहिंदी है, इत्थे हर तंतु बदलती है, सोना है, लोहा है, कली है, हर तंतु बदलती है। इस वास्ते इत्थे थिर कोई भी चीज नहीं। मौत पता नहीं केड़े वेले किस जगह किस बहाने ने इन्हें गला दबा लेना है। तो साडियां प्लैनिंगां विच तरियां तराइयां रह जांदियां हन। सो थोड़े अगे अज एक स्वामी जी का छोटा जिहा शब्द दो कलाइनां रखियां जांदियां हन, मौत से डरत रहो दिन रात, कि मौत तो डरो, ये किसी का लिहाज नहीं रखती, ये किसी नूं बख्शदी नहीं। ये नहीं पता कि इन्हें बच्चे नूं आउणा है या बुढ़े नूं आउणा है
या इन्हें किसी थो कोई ब्रंट कटन उन्हें है नहीं, ये अंदरों ही जान कब्ज कर लेंदी है। सिर्फ बाहर जो कटना कट दिया वो एक बहाना ही है। सो ऐसिया जो कटना कट दिया हैं कि याद है जिन्ना उत्थे जिमीदार लोगों ने फसलां बीजिया हो जिस इलाके च भूकम आया है वो फसलां तो लह लहादियां खड़िया हो उन्होंने भी ज्ञान हुंदा है। गुरु नानक ने कहा बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, उन्होंने की इलम है कि साडा मालक सानू कटेगा या नहीं कटेगा कि होर ही कोई कटेगा। इस तरह जिन्ना दे छोटे छोटे बच्चे हुंदे है माता पिता नू की ज्ञान है कि असी इस नू वड्डे होए नू देखना है या नहीं देखना, या इहदी व्याह शादी करनी है या नहीं करनी है, या इन्हें संसार छड़ जाना है। सो स्वामी जी महाराज सानू प्यार ना कहिंदे है तुसी डरो, लेकिन सानू डर उस वेले लगता है जदों उस शब्द ना जुड़दे हैं, नाम ना जुड़दे हैं, अपने ख्याल नू दुनिया दे विच्चों कढ के उस आवाज दे नाल जो सचखंड तों उठदी है जुड़ जाने हैं। उदो पहला साड़ा जवानी जमा खर्च है, किते दिल नू ठोकर लगी दुनिया कनी तंग होए ते असी कहने तू मर जाओ चंगा है। लेकिन महाराज सावण कहिंदे हुंदे सी इह वी साडियां बाहरों गल्लां हन, अंदरों कोई तैयार नहीं हुंदा गा। बड़ी एक कहानी सुनाउंदे हुंदे सन जिहड़ी मैं कई वारी सत्संग सुनाउंदा हुंदा है कि एक लड़की बीमार सी, उहदी माता रोज ही कहे कि मैं बहुत कुछ खा पी लिया है, ये अजे जवान है, तू मैनू लै जा। एक दिन इस तरह होया कि बाहरों कोई बलद घर अंदर दाखिल हो गया, उसने इधर उधर देखिया खाण नू कुछ ना मिलिया, देग पई सी खाली, वो देग च मूह पाया, देग दा जो अगला हिस्सा सी वो काला सी और मूह जिहड़ा सीगा उसका टकया गया। सिर दी पछाण हुंदी है कि बंदा है या कोई फरिश्ता है या कोई डंगर है, तो हुण सिर उहदा लुकिया होया सीगा। तो माता रोज मौत दे देवते नू याद करदी सी कि मैं बहुत खा पी लिया, तू मैनू लै जा। उन्हें देखिया कि जदों बल्द जिहड़ा सी घबराया कि मेरे मूँह दे विचों निकलेगा नहीं, घबरा के इधर उधर होर दौड़िया, तो उन्हें कहा कि फरिश्ता आ गया। वो बड़ी जल्दी कहिंदी देख मैं तो बुढ़ी हैं, वो तो आओ पई है। सो ये हालत है साड़ी प्यारे, हो असी कह जरूर लैंदे हैं लेकिन जाण वास्ते असी तैयार नहीं हुंदे गे, जाण वास्ते हर उपाउ करदे हैं। सो इस वास्ते स्वामी जी महाराज कहिंदे है कि तुसी की करो दुनिया दे विच दुनिया दी असलीयत नू समझो। गुरु साहिब कहिंदे मरन न मूर्त पुछया पुछे तिथ न वार, एक नी लदे एक लद गए ते एक ना बदे भार, लश्कर सने दुआमिया छुट्टे बंक द्वार, नानक ढेरी शार की पी फिर होई शार। ये मिट्टी शरीर है, मिट्टी बन जाता है। जिन्हां दे बड़े बड़े लक्चर हुंदे है, लश्कर हुंदे है, फौजां हुंदियां हन, वो खड़ियां ही रह जांदियां हन, पैरे दे उपर हथियार उन्हां दे कसे कसाए रह जांदे है। कबीर साहिब कहिंदे है कि मंझ महलों लै गया ऐसा काल कराल, उन्हां नूं पता नहीं लगदा खड़े ही रह जांदे है। तो कबीर साहिब कहिंदे हांको पर्वत फाड़ते समुंद्र कुट पराए, जिन्हां दे इन्नी जवान विच शक्ति सी कि पहाड़ भी फटदे सी आवाज ना, जो कहिंदे सी हुंदा सीगा, तो कहिण लगे कि इतना दावा करदे सी कि समुंदर दी वी असी कुट भर सकदे हैं, पर वो किथे है? ते मुनवर मरगले उन्हां दी मिट्टी अज इत्थे रुलदी फिरदी है। इसे तरह साडी हालत होनी है, असी लोकां नू मरदिआं देखदे हां, सानू लोकां ने देखना है,
असि अपने भैन भरा यार दोस्तों कंधा ला के छड़ के आने वह सानू छिल्लिया। फिर यह भी नहीं पता किसी ने कंधा लाना है कि नहीं लाना, पता नहीं किस जगह किस तरीके आना है। कई ऐसे हादसे हो जाते प्यारे, उन्हों का शरीर ही नहीं बचता गा इतने आता गा। तो आम अखबारों च पढ़ते हैं कि वे कपड़िया तो पछाण आई, उन्होंने की कंधे लावे। सो इस वास्ते संत महात्मा कहते हैं कि तुम अपना भी कुछ करो, बह के आपका भी सोचो। कबीर साहब बड़े प्यार समझाते हैं कि कह संगत कर साध की कह हर के गुण गाए, कि तेरा शरीर जा रहा है इनू किसी पासे ला, या कोई किसी महात्मा की संगत कर। संगत करांगे तो महात्मा की सानू कहेगा, वो कोई लड़ाउंदा तो सानू है नहीं किसी ना भाई प्यारे, कोई उस सानू खास किस्म के कपड़े नहीं पाउण नू कहिंदा गा, उन्हें सानू नाम जपाउणा है, वो कहेगा भी नाम जप कह हर के गुण गाए। फिर आप कहते हैं गौर नमाणी सड करे निगरिया कर आओ, सर पर मैथो चलना मरनो क्यों डराओ। वो कहते कि कबर आवाज मार दी है, तू मैथो दूर भजदा है, आखिर तां तू मेरे विच ही समाउणा है, तू क्यों डरदा है। फरीद साहब कहते मैं भुलावा पगदा मत मैली हो जाए, गहला रूह ना जानी सिरपी मिट्टी खाई। इनू की पता है कि सिर भी मिट्टी दे विच रुल जाना है। सो संत महात्मा सानू आके सुत्या नू जगाउंदे है कि प्यारियो गफल दी नींद चो जागो, जो थानू वक्त मिलिया है इस तो पूरा फायदा उठाओ। फायदा की उठाना है, भजन सिमरन करो जी। चेतावनी भाग दूसरा शब्द छेवां सार बचन पन्ना 117। मौत से डरत रहो दिन रात, मौत से डरत रहो दिन रात, एक दिन पारी पीड़ पड़ेगी, जम खून देंगे तर तर लात। एक दिन ऐसा वक्त हर एक ते आउंदा है कि जम आउंदे है वो कन्नों फकड़ के लै जांदे है। सारी जिंदगी जो ऐ पाप खुनामियां कीतियां हन वो भोगना पैंदा है, उदा हिसाब देना पैंदा है। महाराज सावण कहिंदे हुंदे सी कि किसे दा एक रत्ती दा असाब भी काल माफ नहीं करदा गा। फिर वो कहिंदे हुंदे सी अगर सत्संगी होके कोई पाप करदा ऐब करदा है तो काल उसदे गुरु नूं दिखाउंदा है, क्योंकि खब्बी साइड विच काल बैठा है तो सज्जी साइड दे विच शब्द रूप होके जदों नाम दिंदा गुरु बैठ जांदा है। वो कहिंदा देख तू इस नूं नाम दिता है कि ये नाम दे काबिल है, एक किस तरह जनाकारी करता है। असी तो ये कहने हैं कि सानू कौन देखता है, नहीं देखने वाला थोड़े अंदर है। इसे नूं कबीर साहब ने कहा सी माड़ा कुत्ता ते खसमे गाली। पहला तो सानू बाहर दुनिया कहती है कि देख बई ये उत्थे संतां दे दरबार च भी जाता है, संतां कोले भी जाता है, ये फिर भी ऐ पाप करदा। बहुत सारे आके दसदे है कि जी इस तरह लोग कहिंदे है, मैं कहना तुहाडा फायदा करदे है, तुसीं शुक्रगुजार हो, तुसीं उस ऐब नूं छड्डो। तो अंदर शब्द रूप गुरु नूं भी काल कहिंदा है, तू इस नूं नाम दिता है, लेकिन संतां कोल उस परमात्मा ने बड़ा सबर दे के भेजा हुंदा है।
महाराज कृपाल कहिंदे हुंदे सी कि संत डोरी हाथ चो जीव दी नहीं छड़ देंगे, ढिली कर देंदे है, लेकिन जब खिंचदे है फिर पता लगता जीव नू। ये ना को कि संत नाम देने वेले कोई धोखा खांदे है या गलती करते है, नहीं, नाम की चोण सही हुंदी है, वो गलत नहीं हुंदा गा। जिस तरह आसमान दे उत्ते हर बदल च सतरंगी पींग नहीं पैंदी, वो कदे कदे किसे किसे बदलां च हुंदी है, इसे तरह सत्संगी दे अंदर भी खास किस्म दा रंग उतरदे है। सिर्फ वो कमाई वाले महात्मा नूं ही नजर आउंदे है कि की ये हुण तैयार है, कि ये मालक दी निशानी आ गई है देते। इस वास्ते उन्हां दी जो चोण हुंदी है वो सही हुंदी है। तो आप प्यार ना कहिंदे है महाराज सावन दा, मैं दस्या सीगा कि उहदा कर्म दा हिसाब या गुरु चुकावे या सिख चुकावे। जीव तो पिछले किते नहीं भोग सकता, इथों वाले थोनू पता ही है, मामूली या कंडा वगजे सारी रात तड़फते हैं कि बख्श लो हुण। कि साढ़े अंदर उस मालक का छोटे जे बच्चे जिन्ना भी डर नहीं हुंदा। सो इस वास्ते आप प्यार ना कहिंदे है, एक दिन भारी पीड़ बने, ये जो कुछ असी कर्म करते हैं, जो जो कर्म करे सो भोगना भरना, जो करते हैं वो भोगना असी है, किसी ने नहीं भोगना गा। महाराज जी कहते होंगे कि देखो भाई जो बीजोंगे वो थानू बढ़ना पेगा। गुरु नानक कहते खेत शरीर जो बीजिया सो अंत खलोया आए, जो तुसी बीजिया है वो तुसी कट्टन वास्ते आना है। मिर्चा बीजोंगे मिर्चा कट्टन वास्ते आओगे, अगर कोई मिठा पदार्थ इख वगैरा बीजोंगे तो वह भी कट्टन वास्ते आओगे जी। एक दिन पारी पीड़ पड़ेगी, जम खून देंगे तार तार लात, वा दिन की तुम याद बिसारी, अब पोगन में रहो पुलात। और दुनिया दे ऐशो इशरत, दुनिया दे भोग शराबां कबाबां दी लज्जतां दे विच मस्त हैं, भुल गए हैं, तो ओ दिन जेड़ा टलना ही कदे नहीं गा। किसे भी संसार विच चले जाओ, अमरीका चले जाओ, कनेडा चले जाओ, कोलंबिया दे देशां विच चले जाओ, हिंदुस्तान च रहण लग जाओ तुसी, ओ टाइम ओ दिन थोड़ा कदे टलेगा नहीं। तो हुण की है, मस्त है, जो करना सीगा उदो मस्त हो बैठे हैं। गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे राम गयो रावण गयो, जाको बहु परवार, कहो नानक थिर किश नहीं सुफने ज्यो संसार। रावण गया जिदे कोल बड़ा धन पदार्थ सी, सोने दी लंका सी, उहदा बड़ा परिवार सी, सने परिवार चलिया गया। जद ओ नहीं रहा, गुरु नानक साहब कहिंदे सुफने ज्यो संसार, यह संसार सुफन दी न्याई है। रात नू सोने हैं घंटे दो घंटे का सुफना, पांच सत मिनट का है, एक किसे नू 20 साल का, किसे नू 10 साल का, किसे नू 5 साल का, किसे नू 100 सवा 100 साल का है, आखिर सुफना है। गुरु नानक कहिंदे सुफने सेती चित मूर्ख लाया, असी मूर्ख हैं, मुग्ध हैं, गुवार हैं, इस सुफने नाल दिल ला लिया। सुफने सेती चित मूर्ख लाया, आर जा गई विहाए धंधा ताया, पूर्ण भय नाकाम मोहया माया। ए माया दे वस हो के मोदी मिठी नींद सुता होया। फिर आप कहिंदे है मेरी मेरी
भगत नामदेव ने भी कहा मेरी मेरी कैरों कर दे। उन्होंने हंकार सी कि असी हिंदुस्तान के राजे हैं, असी जादे भरा हैं। मेरी मेरी कैरों कर दे, दरजोधन से पाही, बारह जोजन शत्र चुला था दे ही गर्ज न खाई। सर्व सोने की लंका होती, रावण से दिखाई, कहां पयो दल बांधे हाथी, किन में पही। पुराई दुर्वासा सो करतठ गौरी, जादम ए फल पाए, कृपा करी जन अपने ऊपर, नाम देव हर गुण गाए। मालक जिन्ना ते कृपा करता है उही भक्ति दे विच लगता है, उही मालक दे भजन विच बैठता है जी। वा दिन की तुम याद बिसारी, अब पोगन में रहो पुलात, एक दिन काठी बने तुम्हारी, चार कहर वाला दे जात, पाई बंद कुटुंब परवारा, सो सब पीछे पागे जात। स्वामी जी महाराज कहंदे एक दिन काठ दी कोड़ी जरूर मिल जानी है, भाई बंद कुटुंब परिवार सब पिछे जांदा है, रोंदा जांदा है, वो कादे वास्ते रोंदा है, सिर्फ आप दे धंधिया वास्ते कि ये चला गया है, जो जो ओदे ते मतबल हुंदा है वो उसनू याद करदे है लेकिन वो उसका कोई दुख या दर्द बंडा नहीं सकता, जांदे नू कोई रख नहीं सकता गा। ऐसी की दे च है हिम्मत जड़ा जांदे नू रख लवे, सिर्फ रो ही सकते हैं, वध तो वध इन्ना ही कर सकते हैं। रोना वो नहीं सुनता, वो भी असी लोगों नू सुनाने हैं। गुरु नानक साहब कहंदे आ तंदा पिट्टो पाहियो तुम कूड कमावो, वो ना सुनी कति ही तुम लोक सुनावो। फिर वो कहंदे जे बालक मर जावे तो की करदे है लोग, गुरु नानक कहंदे बालक मरे बालक की लीला, कह कह रोवे बालन गीला। जे बच्चा मर जावे ते ओदी जिन्ना को दस दिन चार दिन देखिया हुंदा है उन्ने नक्श याद कर करके रोंदा है कि मेरा है। गुरु नानक कहंदे जिसकी चीज सोई लै जाए भूला रोवन हारा है। तुसी कित्थों लियाए सी भाई, मास दा लोथला आपदा शरीर सीगा, की नाल लिया सी कोई समान, कोई बच्चे लेंदे बच्चियां लेंदियां कोई जायदाद लेंदी, ये सारा कुछ सानू इत्थे ही उस परमात्मा ने दया करके दिता। अगर वो वापस मंगाउंदा है ते कह कह रोवे बालन गीला, जिसकी चीज सोई लै जाए भूला रोवन हारा है। हुण कहन लगे तो एक बच्चा है, गुरु नानक कहंदे जे भला जवान मर जावे फिर की करदे है, माया कारण पिड़ बंद रोवे, फिर माया दी खातर ओदियां गल्लां याद करदे है। वो इतना कमाउंदा सी ओदे हुंदिया सानू फिक्र नहीं सीगा, लेकिन अफसोस रहा ओदी आत्मा वास्ते कौन सोचदा भाई। जे कहीए भजन करो ओदी आत्मा दा उधार होवे, नहीं। जिन्हां दी खातर असी सारी जिंदगी कीमती असूल कुरबान करते हैं वो साडे वास्ते दो मिनट भी पिछों भजन दे नहीं करते, सिर्फ आपदे धंदिया नू पिछों भी रोंदे है मिलकते है। पाई बंद कुटुंब परिवारा, सो सब पीछे पागे जात, आगे मर घट जाए उतारा, तिरिया रोए बिखरे ला।
घाट वहाँ जमपुर में नरक निवासा, यहाँ अग्नि में फूके जात। हुण आप प्यार ना कहिंदे ऐस, असीं आपदे रस्म रवाज हमेशा ही देखदे हैं, जो कुछ स्वामी जी महाराज सानू दसदे है, लेकिन फिर केड़ा साडे कन ते कोई जूं रिंगदी है। असीं कहने नहीं, मौत लोकां वास्ते है, साडे वास्ते शराबा कबाबा ही है। हालांकि सारा कुछ अखां नाल देखदे हैं, फिर भी सिर फेर दिंदे हैं। जद असीं कश्मीर दी लड़ाई जित के आए, उस वेले साडा जद कश्मीर दे विचों अमृतसर आए, अमृतसर दी कमेटी ने भी साडा स्वागत किया, चाह वगैरह दा इंतजाम सीगा, स्टेशन दे उत्ते भी अमृतसर दी जनता ने भी उदो रियासतां हुंदियां सन। तो जद असीं पटियाले आए तो राजे ने बहुत सारियां नकलां सदियां हुईयां सन, तो नकलीए पंजाब विच काफ़ी मशहूर सन, वो आए तो उन्होंने साड़ी पटियाले फर्स्ट पटियाले की नकल उतारी, और जिहड़ा साडा सिविल सर्जन सीगा जगदीश सिंह, वो काफ़ी अच्छा काबिल डॉक्टर सीगा। बड़े ऐसे ऐसे मरीज उन्हें ठीक किए जिन्हों का पेट के विच सिर्फ आंतड़ा ही साफ रह गई सीगियां, गंद के पूरे ब्राश्ट वज वज के पेट छननी हो चुके सीगे। लेकिन नकल वाले तुसी जानते हो, उन्होंने तो मनोरंजन करना है। उत्थे एक डॉक्टर जगदीश सिंह बन गया और फर्स्ट पटियाले का सिपाही भी आ गया, उसके कोले वो कहन लग्या भी तेरे दिमाग का ऑपरेशन होएगा। तो डॉक्टर ने दिमाग का ऑपरेशन किया, लेकिन वो दिमाग पाना भुल गया। कुछ दिन बाद उस दे याद आया कि भी फलाने नंबर का जो सिपाही सीगा ये किवें कम करता है, इहदा दिमाग पाउण दा मैं भुल गया। उसने फोन किया कि भी प्यारिया आके दिमाग पाल जा। अगों ने जवाब दिता दा जी मैनू दिमाग की कोई लोड़ नहीं, मैं फर्स्ट पटियाले विच परती हाँ। और सब दा उन्हें हासा कढ़िया, कहण दा भाव इतना सी कि फर्स्ट पटियाला किसी ऐसे मुहूर्त दे विच आर्मी बनी सीगी, उसने हार दा मूँह नहीं देखिया सीगा। जिथे गई वो करन कारण परमात्मा ने उसनू जित दित्ती। हिंदुस्तान दे अंदर भी पहली जित उसे दी होई कश्मीर दे अंदर। तो मेरा कहण दा भाव वे जो लड़दा है बंदा वो सोचदा नहीं गा, सिर्फ दो ही गल्लां जानदा है, मर जाना या मार जाना। यही कहानी साड़ी है। संत सानू बड़े प्यार नाल कहिंदे आ कि तुसीं दिमाग नाल सोचो कि केड़ी चीज़ तुहाडे फायदे च है, किस चीज़ ने तुहाडे नाल जाना है, नाल तुहाडे जिहड़े शरीर ने जन्म लिया है, जन्म वेले आया है, इन्हें भी नाल नहीं जाना। तो असीं भी वो दिमाग जिहड़ा है प्यारिओ आपदे विच नहीं रखदे गे, इत्थे सुनिया ते इत्थे छड्ड गए। महाराज सावण सिंह कहानी सुनाउंदे हुंदे सत्संग दे अंदर भी कोई बाणिया सीगा, वो बहुत सारी जिंदगी आपदी सत्संग दे अंदर जांदा रहा। एक दिन कोई खास कारोबार सीगा, वो कहण लगे आपदे बेटे नूं भी बेटा तू सत्संग दे अंदर जा, अज मैनूं कारोबार है। वो चलिया गया। उत्थे सत्संग दे विच सानू पता ही है महात्मा कहिंदे है कि भी हर एक ते दया करो, सारे अंदर ही आत्मा है। कबीर साहब ने कहा धन दिए धन ना घटदा नदी ना घटदी नीर, अपनी आंखों देख लै जो कथ रहे कबीर। तो लड़के दे दिमाग विच ऐसियां गल्लां बैठियां। तो घर जदों आया गऊ आटा खा रही सी दुकान ते, ख्याल आया कि बड़ा ही किराया आउंदा दुकाना दा,
ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਵਿਆਜ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਅਗਰ ਜੇ ਇਹ ਦੋ ਮੂੰਹ ਮਾਰ ਲੇਗੀ। ਬਥੇਰਾ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਆ ਗਿਆ ਬਾਹਰੋਂ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਦੇਖ ਕੇ ਜਰ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੁੱਢੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਰਾਂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਉਹ ਜਰ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਨੇ ਦੇ ਅੰਨਿਆ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਊ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਆਪਣੇ? ਇਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਇਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਗਊ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਆਦਾ, ਮੈਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਪਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੜਫ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਉਂਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੜਫ ਨਾਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਦ ਵਕਤ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਭਜਨ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਉੱਥੇ ਦੋ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ, ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਬਈ? ਇੱਧਰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੰਨੋਂ ਪਾ ਲਿਆ, ਦੂਜੋ ਕੱਢਤਾ। वहां जमपुर में नरक निवासा, यहां अग्नि में फूके जात। हुण स्वामी जी महाराज कहिंदे है, इत्थे देह जिहड़ी अग्नि विच फूकी जांदी है, आत्मा नूं उत्थे काल नरक विच पा दिंदा है। जैसे कर्म कीते वैसा भोगण वास्ते आंदा है। प्यारिओ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਜੋਗੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੰਤ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਿਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਦੇਹ ਪਲਟ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਦਿਆਵਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਖ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਨੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਤਲਾਸ਼ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਛੇਰ ਜਾਂ ਸੱਪ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਣਨ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਖੁਦ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਬਣ ਜੂੰਗਾ? ਉਹ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਹ ਪਲਟ ਕੇ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਥੇਰਾ ਉਹ ਚੇਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੂਕਤਾ। ਜਦ ਉਹ ਫੂਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚੇਲਾ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਤੰਗ ਕਰੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਮ ਰਲਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਧਰ ਸਰੀਰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਖਾਸ ਜੀਵਨ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਗੈਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੇ, ਮਤਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਪ ਤਪ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਵਾਂ ਜਮਪੁਰ ਮੇਂ ਨਰਕ ਨਿਵਾਸਾ, ਯਹਾਂ ਅਗਨੀ ਮੇਂ ਫੂਕੇ ਜਾਤ। ਦੋਨੋ ਦੀਨ ਬਿਗਾੜੇ ਆਪਣੇ, ਅਬ ਨੇ
सुनता सत गुर बात। दोने दीन केड़े बगाड़ ले है जो इंसान दा जामा परमात्मा ने एक मौका बख्शिया सी अमोलक दात बख्शी सी वो भी गुआ लिया, अगे जाके भी वो परमात्मा दे करे जगह ना मिली वो भी गुआच गई। मुसलमान लोग क्वाली गाते होंगे है कमली वाले का दर छोड़ के ना इधर घेरे ना उधर घेरे, ना संतां दी बात पे अमल कीता ना दुनिया जो गरी रहे जी। दोनों दीन बिगाड़े अपने अब ने सुनता सत गुर बात। वा दिन बहु पछतावा होगा अब तुम करते अपनी कात। जद मौत आती है गला दबाती है अंदर वाही भर दिंदा है कि हुण बस जान वाला ही है, फिर पछताउंदा है लेकिन की बनता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अपने जीव की दया पालो चौरासी का फेर बचा लो। भजन सिमरन करना किसी जुमे कोई आसान नहीं, ये तो अपने आप उते दया करना है। अपने आप ते दया कौन करेगा भाई जिन्हों समझ आ गई कि मैं इतो एक दिन जाना है, पता नहीं मेरा कैसे आदमी नवा पाएगा, वो काले हन गोरे हन या उन्होंने हथ विच लठ है या कोई छुरा है या फुल है या रास्ता किन्ना टेढ़ा है किन्ना लम्मा है किन्ना कंढिया वाला है, कैसी कैसी धरती दे उत्ते गुजरना है। तुसी गरुड़ पुराण नूं पढ़ के देख लो, कोई वो महात्मा ने साडे डराउण वास्ते नहीं लिखे हुंदे। गुरु नानक दा गुरु अर्जन देव दा सुखमनी साहब पढ़ के देख लो कि जय पेंडे महांत गुवारा हर का नाम संग उजियारा, जय मार के गने जाए न कोसा हर का नाम उहां संग तोसा। वा दिन बहु पछतावा होगा अब तुम करते अपनी कात। जवानी गई बिरधता आई अब के दिन का इनका साथ। थोड़ा प्यार ना कहते हैं जे बालपना नहीं तो जवानी भी नहीं रहनी, जवानी गई तो बिरध हो गया, जे बाल ना रहे जवानी ना रही तो बुढ़ेपा भी कदों रहना है, इस चो मेनू भी छड़ के चले जाना है। गुरु नानक कहते हैं कि सब तो पहला चाहे औरत है चाहे मर्द है कन दे पास उस चिट्टे वाल आ जाते हैं, वो आके कन को समझाते हैं कि देख भी प्यारिया वेला है। हुण भजन कर, जे पहली जवानी खराब कर ली है बालपना कर लिया खराब ते हुण बुढ़ापा आ चलिया है। गुरु नानक कहते जमराजे के हेरू आए, इन्हां नूं हेरू कहते हैं, तो माया संगल बंध लिया वो तृष्णा जाग पैंदी है। फिर आपता की सौना सीगा भजन की करना सीगा, जे कोई घर विच भी भजन करता है उहदे नाल भी गुस्से हो जाते हैं। मैं अपने बजुर्गों की बात दसदा हुंदा है कि उन्होंने डंगर पशुओं नूं पट्ठे भी पाने जपजी साहब भी पढ़ना और नौकरां नूं गालियां भी कढ़नियां
कदे कदे कहना पिता जी भगवान तेरी केड़ी चीज नु सुनेगा कि गालियां सुनेगा कि तेरे जबजी सब सुनेगा। भगती करते हैं तो असं यही जी करते हैं तो इस वास्ते आप प्यार ना कहते हैं कि उदो की है तृष्णा आ जाती है। अजकल तो बड़िया दवाइया चलिया है जे थोड़े बहुते वाल चिट्टे होंगे तो असं उन्होंने लुकाने हैं कोई रंग लाने हैं कि ना भी वो ठीक है दुनिया तो लुको ले लेकिन जिसने वो पैदा किए वो की करेगा। तो इस वास्ते गुरु नानक कहते हैं जम राजे दे वो थानू दूत आके कन्न कोले सुनाते हैं भी हुण भजन कर लो जी। जवानी गई बिरद ताई अब के दिन का इनका साथ चेत करो मानो यह कहना गुरु के चरण चुकाओ माथ। आप कहने लगे जागो महाराज सावन का वाक याद रखो कि ओनू भुलिया ना जाणो जिहड़ा शाम नू घरे आ जावे पिछे जो होगी होगी। स्वामी जी महाराज कहिंदे भुल बख्शा लो उहदे चरणां विच गुरु दे जाके सिर रख दिओ कि भुल गए भुल होगी असीं भुलणा है। तुसीं देख सकदे हो संतां दी बाणी अंदर हों अपराधी भाई गुरदास ने अपने गुरु अगे कहा हों अपराधी गुनाहगार हों बेमुख मंदा मैं अपराधी हैं बेमुख है मंदा है। एक सच्चाई है कि वो अपराधी नहीं सन वो बेमुख नहीं सन वो तो गुरु के मुख बने हुए सन वो सच्चियां सच्चियां आत्मा सन। तो गुरु नानक ने भी गुरु अर्जन देव ने बाणी च लिखिया सी खत्ते बहुत कमाम दे कुछ अंत ना पारा बार किरपा करके बख्शी लिया हो पापी वड गुणगार के तू सानू बख्श ले। गुरमेल ने शब्द बोलिया सी डिग्ञान तेरे द्वारे ते पहुंच गया है कोट जन्म दा अपराधी माफी कौन मंगेगा भाई मिलेगी कि नू जिहड़ा माफी मंगण दे काबिल हो जावे। महाराज सावण कहिंदे हुंदे सी जो आदमी अपराध करके भी माफी नहीं मंगदा उहनू की कहोगे। तो महाराज कृपाल कहिंदे हुंदे सी कि सराही तां चुकदी है जे प्याला खाली होवे तां जे प्याला पहले नको नक भरिया है उत्थे सराही की चुकेगी। जे असीं पहले मैं मेरी ने भरे हुए हैं कि साडे वर्गा तां कोई नहीं गा नहीं संता महात्मा ने वो पवित्र आत्मा सन वो पवित्र भांडे सन लेकिन सानू समझाने वास्ते उन्होंने अपने आप नू नीवे लफ्ज बयान किते कि इन्हां भुलण जीवां नू समझ आवे कि वो दरबार ही ऐसा है। आप कहन लगे मुक्त द्वारा संकड़ा राई दसे भाए मन तो हाथी हो रहा निकसिया क्यों कर जाए। वो बड़ा वाल तो भी दसवां हिस्सा है राई तो दसवां हिस्सा है तो जे हाथी मन बनाया है मैं मेरी ना वो भी दी किवें बरीक होएगा। भजन सिमरन जिहड़ा रोज रोज करना है वो मन नू बरीक बनाउणा है। महात्मा सानू दसदे आ मैं और तू उस मुल्क दी भाषा नहीं गी जेत करो मानो यह कहना गुरु के चरण चुकाओ माथ। राधा स्वामी कहत सुनाई
अब तुमको वो विद समझात। स्वामी जी महाराज ने कहा संत महात्मा बड़िया अच्छिया दुनियावी मसालां दे के सानू समझाते हैं जिहड़ियां के आसानी नाल साढ़े समझ में आ जाण। क्योंकि मैं दसदा हुंदा कि वह परमात्मा वाहिगुरु अकाल पुरख नूं साढ़े इंसाना वास्ते इंसान का चोला तार के आउंदा है। गाइयां मझां दी सी बोली नहीं समझ सकते, देवी देवते सी देखे नहीं हुंदे गे, फिर कुदरत इंसान का इंसान ना मोह हुंदा है, हम जिनस ना प्यार हुंदा है, पशुआ का पशुआ नाल, पंछियों का पंछियों नाल, इंसाना का इंसाना नाल प्यार हुंदा है। गुरु नानक, कबीर, मौलाना रूम, मुहम्मद साहब, इस तरह कृष्ण भगवान, साढ़े वक्त दे सतगुरु महाराज सावन स्वामी जी महाराज, ये सारे पूर्ण पुरख कुल मालिक सन। अगर असी इन्हां नूं परमात्मा कह देंगे तो कोई ऐब नहीं कर रहे होंगे, तो इस वास्ते उन्हूं भी इंसान का चोला धारण करना पैंदा है सिर्फ इंसानां दी खातर। वो टट्टी पिशाब वाला चोला धारदे है, बीमारियां का खोल धार के संसार में आते हैं, उन्होंने की गरज होंगी है। गुरु गोबिंद सिंह की हिस्ट्री पढ़ के देख लो, उन्होंने भी कहा कि मेरा संसार दे विच दिल नहीं करता सी आउण नूं, क्योंकि मैं दो तो एक रूप हो गया सी, इतना अभ्यास किया सी मालक का। पर जदों उन्हें हुक्म किया कि भी जा तू मेरे नाल आत्मा नूं जोड़, मैं उसका हुक्म नहीं मोड़ सकिया। जो मैनू उसने कहा मैं संसार में आके उही कीता, बल्कि इतों तक कहा जो मोह परमेश्वर उचरा है सब नरक कुंड में पर है। तो संत अपनी वड्याई किसी नूं नहीं करन दिंदे, आपदे गुरु की ही वड्याई कराउंदे है। गुरु नानक कहिंदे वड्डे कीआं वड्याईआं, कुछ कहना कह ना जाई, वो आपदे वड्डे गुरु की वड्याई करदे है। उन्होंने पता कि वह वड्याई दे काबिल है। तो वह कह लगे मैंने जरा परमेश्वर उचरेगा एडा करड़ा वाक थानू पता संत उचारदे है कि सब नरक कुंड में पर है, मैं की है, मैं हूं परम पुरुष का दासा, देखण आयो जग तमाशा। मैं तो यह संसार में एक तमाशा जब संत वाकई ये शक नहीं एक खेल समझते हैं, वो ऐ देखते हैं जिवें लाइन के उत्ते ट्रेन के डब्बे दौड़े जाते हैं भी किवें दुनिया किधरे नूं किधरे दौड़ी जाती है, ना दिन नूं चैन है ना रात नूं चैन है। सो इस वास्ते आप प्यार नाल कहिंदे है कि हर किस्म दीआं मसालां दे के स्वामी जी महाराज कहिंदे है तुहानूं समझा दिता है, तुहाडा भी फर्ज बनता है कि भजन सिमरन करिए, जो परमात्मा ने इंसान का जामा दिता है इस लेखे विच लाइए। राधा स्वामी कहत सुनाई अब तुमको बहु विध समझात।